दोस्तों, Xiaomi ने अपने हर एक मंथ में एक फोन लॉन्च करने का ठेका ले लिया है और ऑलमोस्ट हर एक मंथ में एक नया फोन लॉन्च कर देता है। लेकिन बात यहाँ आज इंडिया के नहीं करने वाले हैं, आज करने वाले हैं चाइना में। चाइना में एक नया सीरीज का फोन लॉन्च करने वाला है Xiaomi। उसको जानेंगे क्या मिलता है। अगर एक्साइटेड हैं तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग बात करेंगे Xiaomi के नए फोन CC9 और CC9e के बारे में। चलिए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, जो नया फोन लॉन्च होने वाला है उसका नाम शायद से CC9 और CC9e, मतलब दो फोन लॉन्च होने वाले हैं और एक नया सीरीज है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ये है, ये जानना कि इसका लोकल या कोड नेम या मतलब निक नेम कुछ भी लिटिल फेरी रख दिया गया है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा है। पिक्चर्स में आप देखेंगे तो हाँ, लग ही रहा है एक परी का जैसा एक चीज है। यहाँ पर और कुछ दिखने मिलता है क्या आपको? मिलता है Asus 6G के जैसा मोटराइज कैमरा। जी हाँ, यहाँ पर भी उन्होंने मोटराइज कैमरा का कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है और डाला है इस मोबाइल में। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि एक कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था जिसका नाम था मीटू। जी हाँ, मीटू। मैं उसी कंपनी के बात कर रहा हूँ जो 6-7 महीना पहले उन्होंने एक रूमर्स या जो भी है एक लीक्स के द्वारा बताया था कि हम इसे एक्वायर करने वाले हैं। उसे उन्होंने एक्वायर कर लिया था ये अराउंड 6 से 7 मंथ पहले। लेकिन उस ब्रांड के तहत ये जो मोबाइल है वो लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, मी टू के ब्रांड के हिसाब से ये जो डिवाइस है ये लॉन्च होगा और काफी कुछ जानकारियां इसमें मिल रही है। तो चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं इसके कलर्स की, तो कलर्स में सिर्फ हमको यहाँ दिख रहा है कि जो इसका डिस्प्ले का जो बैक साइड है वो एकदम कोने में आपको पिंक जैसा एकदम बार करके दिया हुआ है। तो ये कलर में कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं, नया टाइप का कलर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसके कैमरे में, तो कैमरा एकदम Asus 6G के जैसा ही मोटराइज कैमरा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्लीमेशन और करेंगे कैमरा का। 1.48 का प्राइमरी होगा, इसके बाद अल्ट्रा वाइड और एक टेलीफोटो, ये दो लेंसेज का इम्प्लीमेशन यहाँ पर हमको लग रहा हो जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है क्योंकि ये ही कैमरा सेल्फी में भी काम करेगा और बैक में भी, तो मतलब सेल्फी काफी जानदार हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब तो कैमरा की हो गई बात। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की बात। इसमें बोला जा रहा है कि एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात हो जा रही है तो यहाँ आपको ये भी बता दे रहे हैं, इन डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसका भी इम्प्लीमेशन किया गया है। ये रूमर्स है, ये सारे जो डिटेल्स में बोल रहा हूँ ये रूमर्स है। आज ये चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद पूरा डिटेल्स आपको मालूम चल ही जाएगा। तो यहां तक तो मैं समझा पाया। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर, यानी जो जान होता है उसकी बात कर लेते हैं। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर यहाँ पर बोला जा रहा है 730 है। जी हाँ, CC9 में 730 का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन की तरह द्वारा जो दिया जा रहा है वो काफी अच्छा ही है। साथ ही 4000 mAh की बैटरी एज यूजुअल, साथ ही 18 या 27 वाट की चार्जिंग इन द बॉक्स में मिलने की बात है। तो ये जो कंप्लीट पैकेज है ये है। तो आशा करता हूँ कि ये जो कंपनी है इसको और अच्छा से इम्प्लीमेंटेशन करेगी, सारे डिटेल्स को एक साथ लाएगी और कंपनी अच्छा प्रेजेंट करेगी कि हाँ डिवाइस मेरे पास है। क्योंकि ये एक नया ब्रांड है, मी टू के अगेंस्ट साथ में लेके ये फोन लॉन्च हो रहा है। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। अब देखना ये है कि क्या हिसाब से ये लॉन्च करता है वहां पर और इंडिया में आने का क्या चांसेस है। अगर इंडिया में आता है तो काफी अच्छा है, वेलकम है। लेकिन प्राइस क्या रहता है ये भी जरूरी है जान। दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर उन्होंने जो Xiaomi के जो CEO है जेई जंग, उन्होंने ये एक ट्वीट करके बताया था कि ये फोन लॉन्च होने वाला है। लेकिन वहां पर एक और रूमर्स आ रहा है कि ये जो मोटराइज कैमरा है ये आपको फ्रंट में काम नहीं करेगा, फ्रंट के लिए आपको 32 MP का जो सेल्फी शूटर होता है वो स्पेशली दिया होगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर सेल्फी शूटर है तो ये मोटराइज की क्या फायदा है। चलिए देखते हैं क्या हिसाब से क्या टेंडेंसी से ला रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से एक ऑप्शन दे देंगे कि अगर आप बैक कैमरा से भी सेल्फी का कैमरा यूज कर सकते हैं, तो इस तरह का एक ऑप्शन देना चाहिए और शायद अगर दो कैमरा देंगे तो ये बनता है। ये जो कंपनी थी वो लास्ट ईयर नवंबर में एक्वायर किया गया था Xiaomi के द्वारा और वहां से हम लोगों ने उम्मीद कर रहे थे कि कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट का एक फोन मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी सी पहल है और हम इसे वेलकम करते हैं। बस देखना ये है कि इसकी प्राइस और लॉन्च के बाद इंडिया में आने की जो तारीख कब तय होती है।
आशा करता हूँ वीडियो में काफी कुछ जानकारियां दे दिया होगा इस अट्रैक्टिव फोन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्यूचर में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।